ज्यादा फन है, मुझे वेट नहीं हो रहा। जो मैं मोटी नहीं हूँ, मेरे को डाइटिंग की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा हेल्दी खाने की जरूरत है। चैनल और ये वीडियो ना बहुत ही ज्यादा रैंडम है। मैं जा रही हूँ ट्रैम्पोलिन पार्क, तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ फन हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या फन करेंगे हम। मेरे साथ है मेरी फ्रेंड दिव्या जो फोन में लगी है। दिव्या हेलो, कितने चल रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं ट्रैम्पोलिन पार्क। ये वेल काफी दूर है आउटर पे, बट ठीक है चलते हैं। चलो भाई हम तो आ गए कैंगरू ट्रैम्पोलिन पार्क, अंदर चल के देखते हैं। और यहाँ पे हमें कैंगरू मिल गया। बट एंट्रेंस लेने के पहले पीछे मुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे खाना है और खाना तो खाना है। ऑल्सो आई मेट वन ऑफ माई क्यूटेस्ट फैंस, जिसने अपने भाई को जल्दी से भेजा कि मोबाइल लेके आओ, मुझे दीदी के साथ सेल्फी लेनी है, शी इज सो क्यूट। दिव्या को मैंने खाना लेने के लिए भेजा था, तो देखते हैं दिव्या क्या लेके आई है ऐसा, जो इतना संभल संभल के आ रही है। दिव्या जी हमारे लिए खाना लेके आ गई है। हम लोग इतने भूखे इंसान है कि कैंगरू पार्क आए हैं, लेकिन पहले सोचा पेट पूजा हो जाए ताकि एनर्जी आ जाए, उसके बाद कूदेंगे। मतलब खाना इज इम्पोर्टेंट यार, मतलब पहले खाना खाना, उसके बाद कुछ करना है। खाना क्या क्या लाए हम लोग? देखो दिव्या ना डाइट पे है, इसलिए वो साउथ इंडियन खा रही है, और मैं तो भूखी इंसान, मुझसे नहीं कंट्रोल होता यार। मैं जिम करती हूँ पर मैं खा भी लेती हूँ, और अभी इनको जॉलाइन चाहिए। जॉलाइन चाहिए, मिलेगी मिलेगी, 50-60 साल बाद तो आ ही जाएगी। यार मतलब मैं मोटी नहीं हूँ, मेरे को डाइटिंग की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा हेल्दी खाने की जरूरत है। हेल्दी देख रहा है आपका मैम। चलो चलो दिव्या ने बहुत बेइज्जती कर दिया, अब अंदर चलते हैं। तो भाई फन तो बहुत है, बट संडे होने की वजह से इतनी ज्यादा भीड़ है ना। आओ जब तक लाइन लंबी लगी है ऊपर देख के आते हैं कि क्या है। तो ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, टेबल टेनिस है, पूल टेबल है, और ऊपर से सब ना ट्रैम्पोलिन के नजारे ले रहे हैं। एंड अगेन आई मेट सम ऑफ माय क्यूटेस्ट फैंस, और इनके रिएक्शन ने ना इस पूरी वीडियो को कंप्लीट कर दिया। चलो इसके बाद फटाफट से हमें ट्रैम्पोलिन एरिया जाना है, बिकॉज हम 4 बजे से आए हैं यार, 5 बज गए अभी तक हमारा नंबर ही नहीं आया। वो वाली राइड करूंगी, ये भाई साहब ये कितना ज्यादा फन है, मुझे वेट नहीं हो रहा, जल्दी से मेरा नंबर आ जाए। तो हमने डिसाइड किया कि पहले दिव्या जाएगी ऊपर, मैं उसकी नीचे से वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, फिर मैं ऊपर जाऊंगी, दिव्या मेरी। देखो यार कितनी सुंदर वीडियो की है रिकॉर्ड मैंने, अभी देखना दिव्या ने क्या रिकॉर्ड किया है। भाई वीडियो का तो नहीं पता क्या रिकॉर्ड हुई, बट मजा एक्सट्रीम टू द 100 आया। आओ चलो चलो सारे ट्रैम्पोलिन ट्राई करते। अरे 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 ये कौन है भाई? भाई अगर मेरी हरकतें ऐसी रही ना तो सच में मेरा सर फूट जाना है। क्या था भाई, कस के सर में लगी मुझे। और मुझे एक और बहुत ही प्यारी सी और क्यूट सी फैन मिल गई यार। चलो भाई हमारा 30 मिनट हो गया और हमें बाहर निकाल दिया गया, तो हम बाहर आ गए हैं, लेकिन मजा आया बहुत ज्यादा यार। चलो अब घर चलते हैं और घर पे चल के आपसे बातें करते हैं। यार मजा तो बहुत आया, बट आज संडे है इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ थी, और भीड़ की वजह से मतलब हम ज्यादा इंजॉय नहीं कर पाए। एक तो 4 बजे से लगे हुए, तब जाके 5 बजे हमारी चांस आई अंदर जाने की, बट एनीवेज जो भी था ठीक है, मैंने आपको दिखाया, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाए, बिकॉज यार एनर्जी एकदम लो गई थी लाइन पे खड़े खड़े, बट ठीक है चलो मजा आया। और मैंने आज पहना था मेरा फेवरेट पैराशूट पैंट्स, जिसको मैंने व्यू प्रोडक्ट ऑप्शन में टैग कर दिया है, तो फटाफट से जाके देख लो। दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो ना, और बेल बटन दबाने में बिल्कुल मत चले जाना, बेल बटन फटाफट से दबा लो ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।